राजस्थान की कांग्रेस में पिछले 4 साल से मनमुटाव चलता आ रहा है, यानी कि आपसी खींचतान चल रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच। लेकिन इसका अंत कब होगा ये देखने वाला होगा, क्योंकि कुछ ही समय बाद में अब विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में सचिन पायलट को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वो भी अब धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर अधिवेशन आखिरी उम्मीद थी, जिसके बाद में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिन से सचिन पायलट के जो बयान आ रहे हैं उनसे लग रहा है कि अब सचिन पायलट भी नाखुश हैं। कल जब उनसे मीडिया में बातचीत की जा रही थी तो सचिन पायलट ने ये कहा कि जो जनता चाहती है वो होता है। सवाल था कि आपको मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर मांग हो रही है। सचिन पायलट ने अब स्पष्ट कर दिया है कि संगठन यदि चाहता संगठन मजबूत होगा और एक साथ मिलकर काम करेगा तो सरकार वापस रिपीट हो सकती है। सचिन पायलट लगातार युवाओं की आवाज़ उठाते रहे हैं, वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान जग जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली से आलाकमान ने पर्यवेक्षक भेजे थे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, और उस समय जो घटनाक्रम राजस्थान में हुआ शांति धारीवाल के घर से लेकर सीपी जोशी के घर तक, वो भी एक सबने देखा था। इससे पहले मानेसर कांड जो हुआ तब से ये शुरुआत हुई, और आखिरकार अब क्या उम्मीद है कि सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष के रूप में कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि सचिन पायलट के रायपुर अधिवेशन के बाद में सचिन पायलट के जो बयान आ रहे हैं उसको देखते हुए अब बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। आलाकमान ने भी ये कहा है कि अब बड़ा बदलाव राजस्थान में होगा, और सूत्रों के हवाले से खबर है कि 8 राज्यों के अंदर अध्यक्ष का बदलाव होगा, प्रदेशाध्यक्ष बदले जाएंगे। तो ऐसे में राजस्थान को लेकर भी अब उम्मीद ये है कि सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि तमाम जो समर्थक सचिन पायलट के हैं उनकी मांग है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन क्या पिछली बार जिस तरीके से प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट थे और उनके नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव लड़ा गया और राजस्थान में कांग्रेस ने जीत हासिल की, तो क्या एक बार फिर सचिन पायलट का चेहरे पे चुनाव लड़े जाएंगे और क्या सरकार रिपीट करवा पाएंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपनी योजनाओं को लेकर राजस्थान में अलग अलग जगह जब भी जाते हैं तो अपनी योजनाओं का तारीफ करते हैं। तारीफ चिरंजीवी योजना हो या अन्य कई योजनाएं हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं, लेकिन राजस्थान की तमाम जो जनता है वो मुख्यमंत्री के रूप में अब सचिन पायलट को देखना चाहती है। लेकिन कहा जाता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत का नाम ही कांग्रेस है, कांग्रेस का दूसरा नाम अशोक गहलोत है, तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो खींचतान है तो क्या अशोक गहलोत इस बारे में मान जाएंगे कि आलाकमान यदि चाहे और प्रदेशाध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट को चुने तो क्या अशोक गहलोत खुश होंगे? और ऐसे में क्योंकि चुनाव दिसंबर में होने हैं तो अब जो खींचतान और मनमुटाव होगा तो उसके परिणाम कई हो सकते हैं। यदि एकजुट होकर लड़ा जाए तो सचिन पायलट के अनुसार सरकार रिपीट हो सकती है, और यदि नहीं तो फिर जो परिपाटी चली आ रही है पिछले कई सालों से, एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा, वही परिपाटी चलती नजर आएगी। माहौल के अनुसार भाजपा भी कांग्रेस को घेरने की लगातार कोशिश कर रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में सीएम अशोक गहलोत के आवास को घेरने की कोशिश की गई और उसके बाद में जो प्रदर्शन किया गया वो भी देखने लायक था, क्योंकि भाजपा लगातार कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है। वहीं पर सचिन पायलट साफ कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका में भाजपा बहुत ही कमजोर नजर आई है। मेरे पीछे सचिन पायलट का आवास है जो कृषि विलायंस में है, और यहाँ कल सचिन पायलट ने पहले किसान लंच दिल्ली में करवाया, तो कल पत्रकारों के साथ उन्होंने बातचीत यहाँ पर की और उनको लंच दिया, और इसके बाद में उस समय इस दौरान शहीद वीरांगनाएं भी यहाँ पर पहुंची, जिनको बैठाकर जिस तरीके से सचिन पायलट ने अवगत की, उनके बात की, उनका मान सम्मान किया, वो भी देखने लायक था। क्योंकि सचिन पायलट के पास जब वीरांगनाओं को बुलाया गया तो उन वीरांगनाओं ने कहा कि हम अंदर नहीं जाएंगे, तो सचिन पायलट खुद बाहर आ गए और उन्होंने उनके साथ बैठकर बातचीत की। बातचीत जिस लहजे में की वो दिखाता है कि किस तरीके से एक नेता होता है जो आम जनता के बीच में जाकर उनकी बातों को सुनता है और उनकी बातों को उन तक सुनकर उनको क्रियान्वित भी करता है। दूसरे दिन शाम को उन्होंने लेटर भी मुख्यमंत्री के नाम पर जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मांगे हैं उनको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देकर उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो नेता जनता के बीच में जाकर बातचीत करते हैं, इसीलिए जनता के बीच में सचिन पायलट लोकप्रिय हैं और वो जनता से जुड़ाव भी नजर आता है। सचिन पायलट ने शाम को लेटर मुख्यमंत्री को लिखा, जिसमें भी उन्होंने वीरांगनाओं की मांगों को पूरा करने की बात कही। आज कैबिनेट मंत्री शकुंतला राउत और प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंच गए, तो दूसरी तरफ सतीश पूनिया ने रक्षा मंत्री को भी ये लिखा, और रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने ये कहा
कि हम इस मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करके इसको जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। अब बहरहाल देखना यह होगा कि क्या सचिन पायलट को राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष फिर से बनाया जाता है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा पहले से हैं और उनको हटाकर सचिन पायलट को बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब जाट जो वोट बैंक है वो भी नाखुश हो सकता है। तो इसको इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समय पर बदलाव करना कितना सही होगा, क्योंकि कहा जाता है कि सचिन पायलट 36 कौम के नेता है और वो मुख्यमंत्री के दावेदार, प्रबल दावेदार हैं और उनका समर्थन में कई विधायक मंत्री भी हैं, लेकिन गुपचुप वो कहीं ना कहीं बाहर उनकी आवाज़ नहीं आती। जो समर्थक हैं विधायक वही सामने आकर ये बात कह पाते हैं। सचिन पायलट ने लगातार ये भी कहा है कि बदलाव होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से, जो युवा हैं जिन्होंने मजबूती से काम करके राजस्थान की सरकार बनाई है उनको वरीयता मिलनी चाहिए। तो क्या आप सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनाएंगे और उनके चेहरे के ऊपर मुख्यमंत्री के चुनाव लड़े जाएंगे, क्योंकि पिछली बार 2018 में भी सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़े गए थे और राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। क्या एक बार फिर उनके चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे और राजस्थान में सरकार सचिन पायलट रिपीट करवा पाएंगे, ये देखने वाला होगा। क्योंकि रायपुर अधिवेशन के बाद में आलाकमान ने ये भी संकेत दे दिए हैं कि कहीं ना कहीं बड़े बदलाव अब राजस्थान के साथ ही अन्य राज्यों में भी होंगे। तो क्या बड़ा बदलाव यही होगा कि सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी एक बार फिर से सौंपी जाए और 2023 के चुनाव जो हैं उनके नेतृत्व में लड़ा जाए।